हे गाइस, वेलकम टू द न्यूएस्ट वीडियो। वीडियो शुरू होने से पहले ही सूचना दे दूँ, अपने कान में ईयरफोन्स डाल ले, वरना मम्मी की हवाई चप्पल के जिम्मेदार मुझे मत बताना भाई। अच्छा, तो आज हम उस प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पास लड़कों के लिए इतनी खुन्नस है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आओ यार, देखते हैं कौन है ये प्राणी। मेरी जान, तुम्हारी माँ को ना 9 महीने लगे तुम्हारा दिल बनाने में, उसे याद रखा करो। कोई मादर चोद तुम्हारी फीलिंग की माँ चोद है, उस मादर चोद का भी लहजा रफा दफा करो। अरे बाप रे, इतनी खुन्नस, इसे देख के तो लगता है अभी अभी इसका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन नहीं, ये इसका रोज का सीन है। ये वही प्राणी है जो ब्रेकअप के बाद बोलती है सभी लड़के एक जैसे, लेकिन इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार। जो हमारा है ही नहीं, उसके चक्कर में लोग पता नहीं क्यों रो देते हैं। कुछ मादर जो बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। अगर बेहतरीन का मतलब ये होता है तो इसे अच्छा मैं सिंगल ही रहना पसंद करूंगा। क्या मतलब, वैसे भी सिंगल हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अबे यार, कितने बंदे चेंज करेगी? अबे यार, करेले के भरवे। क्या बोला तूने? अबे यार, करेले के भरवे। करेले का भरवा, ये कौन सी डिश होती है? ये आप खुद बनाती हो या ये किसी वियर्ड फूड हैक के मेन्यू में होता है? हाय, ऐसी थूथ बनाओगी तो कैसे नहीं मरेगा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो कभी मिला मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़का है ही नहीं, है ही नहीं। इतने साल से ढूंढ रही हूँ मैं, नहीं है, नहीं है, दुनिया में नहीं है। अच्छा है नहीं है, और अगर है इस दुनिया में कोई इसके लिए, तो भाई अभी के अभी निकल ले दुनिया से, नहीं तो ये जीते जी तेरे को जहन्नुमा सफर करा देगी। गजब बेइज्जती है। मुझे नहीं पता कि अब हम क्या हैं, पर मैं मिस करता हूँ कि हम क्या थे। ओ, तो दीदी के पास सैड मोड भी है, नाइस। मुझे नीचे दिखाकर कुछ लोग उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे टेंशन मत ले मेरी जान, ये बच्चे हैं, सिर्फ मूतने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका कंटेंट ही टॉयलेट जैसा होगा तो लोग मूतेंगे ही ना। कुछ लोगों की बातें सुनकर गालियां खुद कहती है, मेरा इस्तेमाल कहाँ करोगे? हाँ, यहाँ पर शायद दीदी अपनी ही बातों के बारे में बात कर रही है। एक तो ना यार, ये टिकटॉकर्स का खुद की बॉडी से ऑर्गेज्म लेने का लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता। सुनो ना, क्या है? बॉयफ्रेंड बनाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कुकर में बनाऊं या कढ़ाई में। घर जाके खाना बनाओ। दीदी को लड़कों को गालियां भी देनी है, दीदी को एक्स की याद में रोना धोना भी करना है, दीदी को नया बॉयफ्रेंड भी चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी। ये फोटो लेकर रिश्ता ढूंढने जाओगे तो सिर्फ पागल खाने में रिश्ता मिलेगा, और कहीं तो मिलने से रहा। और अगर बाय चांस मिल भी गया तो उन्हें भी ये लड़की गालियां देके भगा देगी। बात तो सही है। बस यार, तो इससे ज्यादा मैं अब इसको और सह नहीं सकता। तो आज का खेल यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है उसको मार दो, और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, नीचे लाल वाला बटन है उसको भी मार दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे ही एक भसड़ से भरपूर वीडियो में। बाय बाय।